सत्तारूढ़ पार्टी के एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के गाड़ी से कोर्ट परिसर क्यों गए, क्या वजह थी, वो गाड़ी किनकी है, इस बात की खुलासा होनी चाहिए। आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर और न्यूज बिहार के यूट्यूब चैनल भारत लाइव टीवी। नमस्कार, मेरा नाम आर्यन है, आप देख रहे हैं बिहार के डिजिटल क्रांति के पायनियर भारत लाइव को। हाई वोल्टेज ड्रामा हो रहा है दिल्ली में। अनंत सिंह ने साकेत कोर्ट में सरेंडर कर दिया था, जिसके बाद बिहार प्रशासन, बिहार सरकार चाह रही है कि अनंत सिंह को बिहार ले आया जाए, और यही कारण था कि आज कोर्ट खुलने से पहले लिपि सिंह कोर्ट पहुँच गई। कोर्ट तो वो पहुंची, लेकिन एक नया विवाद खड़ा हो गया है। आपको बता दें कि लिपि सिंह जिस गाड़ी से कोर्ट परिसर के बाहर पहुंची, वो गाड़ी एक नेता का था। बताया जा रहा है कि जिस गाड़ी से लिपि सिंह पहुंची हैं, वो जेडीयू के एमएलसी का गाड़ी है। खैर, उस गाड़ी के ऊपर सांसद लिखा था। अब इस पर चर्चा जोर से शुरू हो गई है। लगातार आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस ने भी अब इस पर अपना रुख साफ किया है। कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि अनंत सिंह का जो केस चल रहा है, उस पर कानून पर अपना राय देगी, लेकिन जिस तरीके से लिपि सिंह ने एक अधिकारी के तौर पर एक नेता की गाड़ी को प्रयोग किया है अपने काम में, उसकी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि कांग्रेस लगातार जेडीयू पर सॉफ्ट नज़र आती है। ऐसे में अब जब हाई वोल्टेज ड्रामा दिल्ली में चल रहा है, तो कांग्रेस ने सरकार पर पलटवार किया है। जहाँ तक अनंत सिंह की गिरफ्तारी का मामला है, कांग्रेस के नज़र में कानून को अपना काम करने देना चाहिए, न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए, और किसी को भी बिना वजह राजनीतिक कारणों से परेशान नहीं करना चाहिए। लेकिन आज दिल्ली साकेत कोर्ट में इस मामले से जुड़े बिहार के एक अधिकारी जो अनंत सिंह को लाने गई हैं दिल्ली, उनका एक राजनीतिक दल के नेता के गाड़ी से वहां जाना, मैं समझता हूं ये अपने आप में पहली घटना है कि किसी भी सरकारी अधिकारी का ऐसे मामलों में जो ऑन ड्यूटी हो, एक राजनीतिक दल की गाड़ी, जो राजनीतिक दल बिहार में सत्तारूढ़ दल है, उसकी गाड़ी से किसी आरोपी को पकड़ने के लिए कोर्ट परिसर में जाना, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय बात है। और मैं समझता हूं कि उक्त अधिकारी को इस संबंध में स्पष्ट करना चाहिए, इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि वो गाड़ी किस पार्टी के नेता की है, उसका ऑनर कौन है, उसका रजिस्ट्रेशन पटना का है कि दिल्ली का है, उसके ऊपर जैसे बताया जा रहा है मीडिया की खबरों में कि कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का स्टिकर लगा है, कोई कहे, किसी ने कहा कि वो बिहार में विधान परिषद के एक सदस्य की गाड़ी है, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी इस पूरे प्रकरण की जाँच चाहती है, और हम जानना चाहते हैं कि आखिर बिहार सरकार के एक अधिकारी जो ऑन ड्यूटी है, सत्तारूढ़ पार्टी के एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता के गाड़ी से कोर्ट परिसर क्यों गए, क्या वजह थी, वो गाड़ी किनकी है, इस बात की खुलासा होनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे शेयर करें। बिहार की राजनीति और बिहारियत से आपका भी है सरोकार, तो बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल की घंटी को दबा देने से सबसे सटीक और मारक खबरें आपको प्राप्त हो जाएंगी। अगर आपको पत्रकारिता में हमारा ये प्रयोग अच्छा लगा तो आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और पेटीएम नंबर नोट कर लीजिए 9386816700। धन्यवाद।